कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 नवंबर को ऐलान किया था कि उनकी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा और वे फिलहाल चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब तक आयोग को पंजाब लोक कांग्रेस के रजिस्ट्रेशन का कोई आवेदन ही नहीं मिला है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि अमरिंदर सिंह ने जिस पार्टी के नाम की घोषणा की है वैसा कोई भी रजिस्ट्रेशन का आवेदन चुनाव आयोग में नहीं भेजा गया है। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया था। 2 नवंबर को अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया और कहा कि वकीलों की टीम ने चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है। चुनावी राज्यों से जुड़ी अगर कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही है तो 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, जबकि सामान्य रूप से अधिक वक्त लगता है। इसके पहले पंजाब सरकार के एक मंत्री ने यह दावा किया कि अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं और उनकी फिर से कांग्रेस में वापसी होने वाली है। कांग्रेस के इस दावे को कैप्टन ने सिरे से नकार दिया और कहा कि दुर्भावनापूर्ण और शरारती धारणाएं हैं जो जाहिर तौर पर एक उल्टे मकसद से बनाई गई हैं। इससे पहले सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा था कि अमरिंदर जल्द ही कांग्रेस में लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब से वह अपनी पार्टी को आकार देने और इसके संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं और उनके पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। कैप्टन ने कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण और पार्टी के प्रतीक के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था कि वह सोनिया और उनके बच्चों राहुल और प्रियंका के आचरण से आहत हैं। उन्होंने उसी दिन अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम का भी खुलासा किया था। कांग्रेस में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को 18 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।